अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो नाज़रीन, आज हम सुबह सवेरे आपके सामने हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं ख़ुद सुबह को उठ के अपने लिए लेमन टी यूज़ करती हूँ वो मैं आपको भी ज़रूर बताऊँ जी। तो सबसे पहले, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जिन मेरे गाइस ने, प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें जी। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुबह सबसे पहले, आपको पता है, हम नमाज और कुरान पाक के बाद उसके अपने लिए थोड़ी सी वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, ठीक है, और वो करनी भी चाहिए, और ख़ुद को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए, जो कि हम ख़वातीन ख़ास तौर पर खुद को टाइम नहीं देती, लेकिन हमें सोच के ये अपने लिए कि हमें अपने लिए ये टाइम निकालना है, तो वो खुद ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए टाइम। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आप होम रेमेडी यूज़ करेंगे, तो एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अफेक्टिव है सबके लिए। तो गाइस, ये देखें, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होम रेमेडी से एक ये कावा। अच्छा, ये है हमारे पास लहसुन, अदरक और लेमन। लहसुन, अदरक और लीमू, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे हमने अपने लिए कावा बनाना है। तो वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको भी बताती हूँ। आप सबसे पहले 1 कप लें पानी, 1 गिलास लें पानी, उसको आपने पकाना है, उसमें लहसुन और अदरक को ऐड कर देना है। सब लहसुन और अदरक को ऐड करना है, उसके बाद बाकी का काम फिर बाद में बताते हैं। ये देखें, ये कावा पक रहा है, ठीक है। आपने इस तरह इसको नॉर्मल आंच पे पकाना है 1 गिलास पानी में जी। तो गाइस, हमारे पास हमारा कावा तैयार है इस वक्त, लेकिन अभी हमने इसमें ऐड करना है लेमन। चाहे तो, अगर आपका दिल करे तो आप इसमें हाफ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो आप इसमें फुल लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, या आपको जितना वो अफेक्ट करता है, जितना आप, बाज़ लोगों को सुबह निहार पेट मैदा एक्सेप्ट नहीं भी करता लेमन, तो वो लोग हाफ़ यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं बनता। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे जो लेमन है वो अफेक्ट करता है, तो मुझे थोड़ा सा मसला इशू बन जाता है इस वजह से। लेकिन मैं जब से इसमें इसके साथ ऐड करके ले रही हूँ, तब से मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बना। तो और 1 चम्मच हम लेंगे शहद, हनी, ठीक है। 1 चम्मच हमने लेना है शहद, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप देखिएगा और पी के देखिएगा, ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा कि आपको ये कितना अच्छा लगेगा, इतना इतना इसका अच्छा अच्छे वाला टेस्ट आएगा, और बहुत ज़्यादा ये अफेक्टिव भी है। और क्योंकि मैं ख़ुद भी थोड़ी सी हेल्दी हूँ, तो इसलिए ये हेल्दी लोगों के लिए एक ख़ास बहुत अच्छी होम रेमेडी है, और इससे बहुत जल्दी आपका वेट अफेक्ट करेगा, बहुत जल्दी आपका वेट कम होगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें होम रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।